जो बाइक है हमारा शेर खान, ये सही बाइक है, टाइगर टाइगर है। हम रेडी हैं। हेलो नमस्ते वालेकुम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योम सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। ये व्लॉग अब शुरू हो रहा है लेकिन ये खत्म होगा ये ट्रिप कंप्लीट होने के बाद। तो बीच में अगर मैं हेलो नमस्ते ना करूं तो मत बोलिएगा कि अरे अरे असल क्या। पहले जो मेरा प्लान था वो था कि पैनियर्स के साथ और टॉप बॉक्स के साथ मैं चलूं, लेकिन जब मैं पैनियर्स लगाता हूँ ना तो मुझे बाइक चलाने में उतना मज़ा नहीं आता, मतलब थोड़ा ऐसा डर डर सा लगता है कि काफ़ी हैवी हैवी बाइक लगता है। टॉप बॉक्स के साथ एक बार फिर भी चल जाता है, तो मैंने ये वाला बैग पैक किया है। ये वाले बैग में ना मतलब ये जगह कम जगह में बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, लेकिन इस ट्रिप में मैंने सामान कपड़े उपड़े जो भी है वो मैंने कम ही रखे हैं। सारी तैयारी हो चुकी है, सारा मतलब थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हेलमेट है इस पे सेटअप एकदम फुल ऑन रेडी हो चुका है। ये हेलमेट को अब मोटर व्लॉगिंग हेलमेट कह सकते हैं। ये कुछ खाने का सामान है, खाने के सामान को मैं सबसे लास्ट में पैक करता हूँ क्योंकि ये ऊपर रखने होते हैं, क्योंकि सबसे पहले निकालने होता है ना इसको। कुछ कुकी है, देन फ्लैप जैक है, यहाँ दुबई के कुछ चॉकलेट है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिया था, यहाँ पर मेरा मल्टीविटामिन है, यहाँ प्रोटीन है और वो शेकर है। मैं निकलने वाला था कल था 4 अक्टूबर, तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, मैंने रेस्ट लिया और आज मैं निकल रहा हूँ। अभी आज 5 अक्टूबर है और टाइम हो रहा है रात के 3:15, निकलते निकलते 4 बज जाएगा। एंड एक चीज़ और, इस राइड में मैंने एक नया चीज़ ऐड किया है। ये एक्चुअली नया नहीं है, ये है पुराना, लेकिन मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन पैक, इसमें पानी होता है। एंड मतलब ये शरीर थोड़ा पकड़, मतलब कि आवाज़ आई, तो ये ऐसे होगा और ये पाइप से पानी का सप्लाई होता है। मतलब बाइक चलाते चलाते मुझे कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलते चलते मैं पानी पी सकता हूँ। पानी पी के हो गया सब, थूक देने का मैं जा रहा हूँ। अरे अरे इतना डरो मत, ओके बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ठीक है, लले का ख्याल रखेगा, है ना, चल बाय बाय, चल शफीक। पढ़ लेंगे आयतुल कुरैसी भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल बेटू, या अल्लाह कर मदद। अंधेरी रातों में सुमसान राहों पर आपका मोहम्मद सलीम खान निकल चुका है एक लंबे सफर पर। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 4। अभी ऐसा हो रहा है ना कि हर चीज अनकंफर्टेबल हो रहा है, मतलब ग्लव्स, जैकेट और ये राइडिंग पैंट, पीछे जो पूरा झोला मैंने बांधा है, थोड़ा यूज्ड होने में टाइम लगेगा। आपको पता है लास्ट मैंने राइड कब किया था? नवंबर में राइड था हमारा थाईलैंड वाला, उसके बाद अभी राइड हो रही है, मतलब कि 11 महीने बाद। आज पूरा दिन जब राइड करूंगा ना तो यूज्ड हो जाऊंगा। अपन चैंप है क्या? आप लोग की दुआओं से। कहीं पर अगर लॉन्ग राइड के लिए निकलना है तो सुबह सुबह का जो 4 बजे का टाइम होता है बेस्ट होता है। क्या होता है कि सिटी क्रॉस करने के लिए ना काफी टाइम लग जाता है, ये टाइम पे कैसा होता है कि ट्रैफिक मिलता ही नहीं है, तो फटफट सिटी क्रॉस हो जाता है, काफी सारा टाइम बच जाता है, काफी सारा हसल बच जाता है। अभी मैंने अपना बाहर लाइट चालू नहीं किया है, ये मैंने चालू किया है और लाइट ऊपर की तरफ है तो इसको भी सेट करना पड़ेगा। ये जो मैंने रैम माउंट लगाया है ना, ये ठीक से लगा नहीं है क्योंकि स्पीडोमीटर ठीक से दिख नहीं रहा है, मुझे ऐसे से करके देखना पड़ रहा है। ये हेलमेट है ना मेरे को इतना टाइट है कि मेरा ऐसा मुंह दबा दिया है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा मुंह ऐसा पकड़ा हुआ है और बोल रहा है ये अब तू बोल, क्या बोलने का तेरे को, बोल रही ऐसा हो गया। मैंने एक नया ग्लव्स लिया है, लेकिन जब भी राइड होता ना मैं प्रेफर करता कि ओल्ड ग्लव्स ही मैं यूज करूँ। नया ग्लव्स यार उसको यूज होने में काफी टाइम लग जाता है, और मेरा ब्रेकिंग सिस्टम देखो ऐसा है, इधर क्या अंधेरा है क्या, एक उंगली से मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो काफी वो तकलीफ देता है ग्लव्स। दादा चाय मिलेगा क्या? आहा आहा, हाइड्रेशन पैक मैंने लिया है ना, इसका पूरा पैसा वसूल है। मतलब बाइक चलते चलते पानी भी पीते रहो, मतलब कोई टेंशन नहीं है। एंड जो लाइट, उसका भी पूरा पैसा वसूल। मुंबई से निकला था 4 बजे, अभी मैं लोनावला में, यहाँ पर टोल प्लाजा है। मुंबई टू लोनावला की जर्नी रही है 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, ये होता है सुबह सुबह जल्दी निकलने का नतीजा। पहला ब्रेक, और कितने ब्रेक लूँगा पता नहीं, लेकिन इसी का तो मज़ा है, इसी को तो सफ़र कहते हैं। राइड करते हुए चाय पीना, रुकना, ऐसे बातें करना, कितना मिस कर रहा था मैं यार। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं राइड में सत्या को ज्वाइन करूंगा, जी नहीं, सत्या नॉर्थ की तरफ है, मैं जा रहा हूँ साउथ की तरफ। आज का जो मेरा डेस्टिनेशन है वो है गोवा। मैंने आप लोगों को कहा था यार, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सबसे पहला जो राइड होगा मेरा वो गोवा होगा, क्योंकि इधर ही गोवा के बाद मैं कहाँ जाऊँगा मुझे भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन थोड़ा रफ प्लान है कि यहाँ यहाँ जाया जा सकता है, तो जहाँ जहाँ पर मौका मिले वहाँ वहाँ पर चले जाएंगे,
बस राइड करने में मजा आ रहा है, सफर का मजा है, मंजिल का मजा इतना नहीं आता है। कोई तो एक चीज है जो मैं भूल रहा हूँ। मैं जब घर से निकला था तो मुझे याद था कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो क्या चीज है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। चल जब ध्यान में आएगा तो बता दूंगा। ये जो रैम माउंट है इसको मैंने फिक्स कर दिया। आई होप अभी मेरे को स्पीडोमीटर अच्छे से दिखेगा। अभी ना हल्की हल्की से बारिश हो रही थी और दिक्कत ये हो रही है ना कि ये जो ट्राइपॉड मैं लाया हूं अपने साथ, ट्रैवल ट्राइपॉड, अगर बारिश हुई तो ये भीग जाएगा और शायद ख़राब हो सकता है। इसको मैंने वाटरप्रूफ बना दिया, ये तो ऑलरेडी वाटरप्रूफ है, इसको भी मैंने बना दिया। बस इसी का एक दिक्कत है, इसको ना मैं अंदर भी नहीं रख सकता यार, क्योंकि इसकी ज़रूरत है रास्ते पे चलते चलते, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं बोल ही रहा हूँ आप लोगों की आज का पूरा राइड जो है ना वो पूरा मतलब सेटलमेंट करने में चले जाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और यहाँ पर सब ऐसे देख रहे हैं मुझे, बहुत कॉन्शियस कर दिया उन्होंने। और बाकी सब बढ़िया है। अभी स्पीडोमीटर एकदम सही दिख रहा है, ये थोड़ा साइड में हो गया है, एकदम उजाला कर देता है यार ये लाइट। यहाँ पर अभी सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन ईस्ट की तरफ सनराइज हो चुका है, उसका ये रिफ्लेक्शन है जो आसमान में हमें देखने को मिल रहा है। देखें पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन मेरी नंगी आंखों से तो क्या खूबसूरत दिख रहा है। चलो भाई लाइट ऑन कर दो। मौसम इतना कूल है, हल्का हल्का सा फॉग है, और राइड करने में जो आनंद आ रहा है मेरे दोस्तों, पूछो मत, मैं बताऊंगा भी नहीं, पूछो मत, इतना मजा आ रहा है मेरे को। आई एम हैप्पी मैन, आई एम हैप्पी। एक दिक्कत हो रही है, दिक्कत वो ये कि इसकी टांग बार बार खुल जा रही है। क्यों भाई? ये भी लूज हो गया। राइड करने को इतना मजा आ रहा है ना कि कहीं मेरे को रुकने का दिल ही नहीं कर रहा है। पहले सोचा था कि कहीं पर रुक के ऐसे ब्रेकफास्ट कर लूंगा, लेकिन ऐसा मन ही नहीं कर रहा। और पानी पीने का टेंशन तो खत्म, क्योंकि हमारे पास हाइड्रेशन बैकपैक है और सनराइज हो रहा है दोस्तों। सनराइज क्या खूबसूरत दिख रहा है यार, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा यार, ये गोप्रो से अच्छे से दिखेगा नहीं, अभी सन छुप गया है। क्या प्यारा सा ऑरेंज कलर का गोल गोल सूरज माउंटेन के पीछे दिख रहा था, क्या खूबसूरत लग रहा था। बड़े दिनों बाद ऐसा सनराइज देखा मैंने, बड़े दिनों बाद तो मैंने सनराइज देखा सबसे पहले। उठते थे 11-12 बजे, लॉकडाउन ने पूरा स्लीपिंग साइकिल की वाट लगा दी थी। एक स्पेशल ब्रेक लिया हूँ सिर्फ आपको सन दिखाने के लिए। जो सनराइज हुआ था, जो मैंने देखा था, वो एकदम ऑरेंज था, अभी थोड़ा वो यू नो लाइट हो गया है, लेकिन वैसा नहीं है यार जैसा मैंने देखा था। बट मेरी भावनाओं को तो समझ गया ना, जो देखा था मैंने आपने महसूस तो किया ना मेरी बातों से। पहले ना हमेशा मैं लॉन्ग राइड करने से डरता था, कोई भी सब्सक्राइबर मुझसे पूछता था कि सर लॉन्ग राइड क्यों नहीं करता, मैं कहता था मज़ा नहीं आता है, और जिस चीज़ में मज़ा नहीं उस चीज़ में मज़ा नहीं है, मेरे पास सही बाइक नहीं थी। और ये जो बाइक है हमारा शेर खान, ये सही बाइक टाइगर टाइगर है। अब मेरे को दिल करता है कि मैं राइड करूँ, अब बोलो कौन सा लॉन्ग राइड करना है, आप सिर्फ आवाज़ करो कॉमेंट में। क्या कोइंसिडेंट हुआ है, अभी ना लो फ्यूल का इंडिकेटर दिखा रहा है और मेरा हाइड्रेशन बैग में से पानी खत्म हो गया। मतलब पानी खत्म, पेट्रोल खत्म, एक साथ, पेट्रोल से ये चलेगा, पानी से मैं चलूंगा। मुझे भी एक ब्रेक की जरूरत है, बाइक को भी जरूरत है। कोई एक अच्छी जगह दिखेगी तो वहां पर रुकेंगे। आज तो मुझे रुकने का दिल ही नहीं कर रहा है, मन कर रहा चलाते जाऊं। मैं आपको बता दूं अभी टोटल हमने कितना किलोमीटर चलाया, 271 किलोमीटर। जब मैं घर से निकला था तब मैंने ट्रिप को रीसेट नहीं किया था, नवी मुंबई में आके मैंने रीसेट किया था। तो नवी मुंबई के बाद से लेकर अभी तक 272 किलोमीटर चली है, और सिर्फ दो ब्रेक लिया गया, जिसमें एक चाय का ब्रेक था और एक वो सनराइज दिखाने वाला ब्रेक था। नहीं तो इतने टाइम में मैं काफी ब्रेक ले लिया होता। ये हाइड्रेशन बैग का कमाल है और टाइगर का। साले साले बस 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 1270 रुपए का पेट्रोल, सेफ्टी जरूरी है। अंदर बैठ के नाश्ता नहीं कर सकते? बैठ सकते। अभी हम कुछ खाते हैं होटल जय माता दी में। मुझे प्रोटीन चाहिए और इसका शेकर। ये लॉकडाउन की वजह से बंद करके रखे।
अगर पहले चाय पिला दो ना। मेरा ब्रेकफास्ट करने का जो टाइम था वो 8 बजे का, अभी बज रहे हैं 9। एक घंटा मुझे ढूंढने में लग गया एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर मैं आराम से अकेले बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकूँ। जहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ लोग हैं, और जहाँ जहाँ पर मुझे लोग दिख रहे हैं मैं वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ। इस टाइम पे बाहर निकलना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सेफ रहूँ। बाकी आप लोग की दुआ है, मम्मी की दुआ है, तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। तुम पहले क्यों नहीं बोले? इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर, 1 लीटर गया 1 लीटर और जाएगा। ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। और ये कौन? हेलो क्यूटी, तुम पाव खाओगे? हेलो हेलो, दो दो पाव। क्या क्यूट है यार ये, बस आंखों से आंसू ना आ जाए, कितना मिस करता था मैं। चलिए, यहाँ का हिसाब किताब कंप्लीट होता है, और जो चीज़ मैं भूल रहा था वो मुझे याद है। ये वो चीज़ है जो मैं भूल रहा था। ये क्या है? ये है हमारा कोविड सर्टिफिकेट, और जो रिजल्ट है वो है नेगेटिव। तभी तो निकला हूँ मैं, नॉट डिटेक्टेड। इंटरनेशनल ट्रैवल करके आया, उसके बाद भी मैं सेफ हूँ। अभी जो ट्रैवल कर रहा हूँ उस पर भी मुझे सेफ रहना, तभी आपको कंटेंट देखने को मिलेगा और मुझे मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा सजा हो जाएगा। मैं जहाँ रुका हूँ, इस जगह का नाम है करड़, जो कि मतलब हाफ वे है, मतलब और 5.5-6 घंटा लगेगा मुझे गोवा पहुँचने के लिए। आराम से 3-4 बजे तक पहुँच जाऊँगा अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो। बाकी सब चेक। एक एक चीज़ भूलते रहते हैं, अगर अभी ध्यान नहीं दिया होता तो ये गिर जाता। वैसे इमरान भाई ने दिया था यार, ये भी एक गिफ्ट है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पेट जब खाली हो गया था ना तो ऐसा हर चीज़ को लेकर मैं छिड़छिड़ कर रहा था। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, पहले यहाँ पर एक रेन कवर था इस टैंक बैग के लिए, फिर जब मैंने इंस्टा 360 निकाला था तो मैंने इसको उस कवर को ऐसे कर दिया था, और वो यहाँ पर ही लटक रहा था, और चलाते चलाते वो कब गिर गया मेरे को पता ही नहीं चला। जहाँ पर अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था वहाँ पर एक बंदा आता है, बोलता है भाई साहब ये आपका गिर गया था। मैंने कहा थैंक यू सो मच। ए 11111 अभी नोटिस किया मैंने। वो बंदा जा रहा था कोल्हापुर, एंड उसके पास एक नॉर्मल बाइक थी, लेकिन उसने पीछे बैग वैग बंजी कॉर्ड से बांध कर फुल ऑन ऐसे राइडर एटीट्यूड था उसका। तो ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में नहीं रख पा रहा हूँ, जैसे ये कवर गिरा, पीछे सेल्फी स्टिक भी गिर सकती थी इंस्टा 360 वाला। वो जो राइड करते एक हैबिट होता ना, वो हैबिट एकदम छूट गया है। मतलब सोच लो 11 महीना, मतलब यार छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ मैं। 3-4 दिन बाद ठीक हो जाएगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ को अडेप्ट कर लेगा, चीज़ों को संभालने वाला, बाइक पर छोड़ने वाला। आज के राइड में एक और नई चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, आपको अपना मुखड़ा दिखा के मैं बताऊँगा वो क्या चीज़ है। बट वो एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो बाहर का शोर शराबा हो रहा था वो एकदम से कम हो गया। मतलब पहले अगर 100% था, अभी वो 20% हो गया।